नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद हमारी आशाएं होती है कि हमें उसका रिजल्ट भी मिले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जितनी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम संकोच में पड़ जाते हैं कि हमारी मेहनत हम रंग ला भी रही है या नहीं, हमारी मेहनत करने का कोई फायदा है या नहीं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ गंदी आदतों की वजह से आपकी ये चीजें गुडविल खो जाती है, या फिर आपकी जो मेहनत कर रहे हैं वह आपकी गंदी आदतों की वजह से आपको उसका परिणाम नहीं मिलता है। जानिए आज इस वीडियो के दौरान कि आपकी कौन सी ऐसी गंदी आदतें हैं जिसकी वजह से आपको आपकी मेहनत का नतीजा नहीं मिलता है। नंबर एक, यदि आप अपने घर में रहते हैं तो हमेशा देखा जाता है कि आप सुबह उठकर नहाते हैं, नहाने के बाद अपने बाथरूम को ऐसा ही गंदा छोड़कर आ जाते हैं, उसे ना तो पानी साफ करते हैं और ना ही साबुन के झाग, हमेशा उसे ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आपकी जो दरिद्रता है वो आपके कमरे में फैलती है और जिसकी वजह से आपके जीवन में जो मेहनत कर रहे हैं वह मेहनत रंग नहीं लाती है। नंबर दो, अक्सर देखा जाता है कि रसोई घर में यदि आप लेट आते हैं और लेट आने पर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद झूठे बर्तन वहीं छोड़ देते हैं और रसोई में ऐसा काम करने से भी आपकी दरिद्रता आती है, जिससे आपकी मेहनत के नतीजे आपको नहीं मिलते हैं। नंबर तीन, अक्सर देखा जाता है ऑफिस में काम करते हैं जिसकी वजह से आपका बिजी शेड्यूल की वजह से आप ऑफिस से घर आते हैं तो थकान महसूस होती है, थकान होने पर आप जाकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं और बिस्तर पर बैठकर ही वही खाना मंगाते हैं, ये गंदी आदतें होती हैं। अक्सर देखा जाता है लड़की हो या लड़का, यदि ये गंदी आदतें उनमें आती हैं तो वह हमेशा अपनी मेहनत के नतीजे कभी नहीं पा सकते हैं, जितना भी आशा करेंगे उतना ही खोएंगे। अक्सर देखा जाता है कि वह लोग ऐसे ही बिस्तर पर बैठकर वही खाना मंगाते हैं और वही खाना खाने के बाद बर्तन वही छोड़ देते हैं कि उठाने वाला ले जाएगा। ऐसी गंदी आदतें आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं, तो इन आदतों को छोड़ दीजिए। नंबर चार, देखा जाता है कि सभी लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद अपने बिस्तर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यदि वह चादर ओढ़कर सोते हैं या फिर रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, जो भी ओढ़कर सोते हैं वह ऐसी का ऐसी छोड़ देते हैं और खुद उठकर नहा धोकर तैयार होकर चले जाते हैं, लेकिन जो बिस्तर उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है वह जीवन में उनकी समस्याएं लेकर आता है, जो भी प्रमोशन होते हैं उन्हें रोक देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में इस चीज का लाभ उठाए तो वह ऐसी गंदी आदतों को जल्दी ही छोड़ दीजिए, ये गंदी आदत आपकी मेहनत के नतीजों को दूर करती हैं। तो इन गंदी आदतों से सीखिए ताकि अपने जीवन में ये गंदी आदतें छोड़ दें और अच्छी आदतें अपनाएं, जिससे कि आपकी दरिद्रता कम हो और आपकी मेहनत आपको नजर आए। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।